एडीए प्रकाशन सर, अभी 20 दिन पहले इन्होंने अंधेरी पुलिया के निर्माण का कार्य आरंभ किया था। एक तरफ वन वे ट्रैफिक कर दिया, एक तरफ बल्लियां लगा के दूसरी तरफ को पूरा बैंड कर दिया। व्यापारी बिल्कुल व्यापार नहीं कर पाया। सर पर त्यौहार था बकरा ईद और रक्षाबंधन का, व्यापारी बिल्कुल ठाला बैठा रहा। हमने ADM में जाके दरख्वास्त की कि सर, ये जंगले को बीच में से काट दिया जाए, जो पुराने मोबाइल गोदाम के सामने से, तो ट्रैफिक बहाल हो जाएगा। इन्होंने ट्रैफिक का जो दुर्दशा कर रखी है, एक तरफ ट्रैफिक ज़्यादा है, वहाँ ग्राहक नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है, वो दुकानदार भी फ्री बैठा है। आज इसी पहल में मोनिया स्कूल इंदिरा गांधी स्मारक के पास से इन्होंने वापस निर्माण कार्य आरंभ किया। ADM में हमने जाके 27 तारीख को कमिश्नर साहब को नोटिस दिया था कि सर, ये जंगले हटाए जाएँ आपके अंडर में। उन्होंने कहा हम जरूर ये कार्रवाई करेंगे। TI मैडम जो कि सुनीता गुजर हैं, उन्हें भी हमने दौरा करके बताया था कि ADM से मेरे को परमिशन मिल जाएगी, मैं जंगले हटा दूंगी, ट्रैफिक की व्यवस्था अच्छी हो जाएगी और आपका कारोबार व्यापार और आम नागरिकों को सुविधा हो जाएगी। लेकिन आज किसी भी सूचना के बगैर उन्होंने वापस से वही हाल कर दिया है। आप खुद देख रहे हैं ट्रैफिक का क्या हाल है। व्यापारी अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए आए कि नहीं रहा है, ग्राहक कैसे आएगा? अब आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या करेंगे? नहीं मांगे जाएगी तो हम इसमें बड़ा आंदोलन करेंगे, हमारे व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करके कलेक्टर साहब के पास जाएंगे, उनसे गुहार करेंगे। उसके बाद भी नहीं माने तो कोई, हम बड़ा आंदोलन करेंगे श्री अंदर व्यापार महासंघ के साथ जुड़कर। ये स्टेशन रोड का मामला है और यहाँ का व्यापारिक संघ हमारा बना हुआ है पिछले कई समय से, यानी आप समझो 6-7 साल से यहाँ पानी भरने की समस्या से स्टेशन रोड के व्यापारी जूझ रहे हैं, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है। बालेश गोयल, स्टेशन रोड व्यापारी संघ अध्यक्ष।